अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल चिकन सूप की रेसिपी। तो चिकन सूप बनाने के लिए मैंने 4 कप पानी ले लिया है। इसमें हम चिकन ब्रेस्ट के पीस ले लेंगे और 4 बड़े साइज के पीस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और गैस की फ्लेम को हमें फुल कर देना है। 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। बारीक कटे हुए गाजर डालेंगे। इन सबको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम रख देंगे कुक होने के लिए, ताकि चिकन जो है हमारी अच्छे से बॉईल हो जाए। तो ये देखिए 15 मिनट लगे हैं, चिकन हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो चिकन के पीसेस को हम निकाल लेते हैं पानी में से। तो सारे चिकन के पीसेस को हम निकाल लेंगे और बारीक बारीक इसको श्रेड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बारीक बारीक मैंने श्रेड कर लिया है चिकन के पीस को। श्रेड करने के बाद फिर से हम बॉईल किए हुए पानी में ऐड कर देंगे, जिसमें हमने गाजर और अदरक लहसुन डाल के चिकन को बॉईल किया था। उसी पानी में हम सारी श्रेड की हुई चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1/2 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। जब यह बॉईल हो जाए तो फ्लेम को लो करेंगे। और मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर को हम पानी में देखिए इसकी स्लरी बना लेंगे और स्लो स्लो इसमें ऐड करते जाएंगे। गैस की फ्लेम को भी हमें लो ही रखना है और थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इसको कंटिन्यू हमें मिक्स करते जाना है। देखिए कॉर्नफ्लावर डालने से सूप हमारा थोड़ा थिक हो चुका है। अब इसमें हम स्प्रिंग अनियन डालेंगे कट करके, और अगर आपको कोई वेजिटेबल्स इसमें ऐड करने हैं जैसे कॉर्न और कैबेज तो आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए बॉईल आने देंगे। तो सूप हमारा बॉईल आ चुका है। गैस की फ्लेम को लो करेंगे। एक अंडे को मैंने फैट कर लिया है। थोड़ा थोड़ा ऊंचाई से हमें डालना है अंडे को। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसको कंटिन्यू मिक्स करते जाएंगे। जल्दी जल्दी से रुकना नहीं है। तो देखिए सारे अंडे को हमें इसी तरीके से थोड़े ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और कंटिन्यू इसको मिक्स करते जाना है। तो देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा चिकन सूप बनकर ये रेडी हो चुका है। बस 2 मिनट के लिए हम इसको गैस पर पकाएंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखिए हमारा चिकन सूप बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मैं स्प्रिंग अनियन से इसको गार्निशिंग कर रही हूँ। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज को ज़रूर ट्राई करें। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका चिकन सूप कैसा बना था। बहुत ही एनर्जाइज सूप है ये, बच्चे और बड़े सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो विंटर सीजन में आप इसको बना सकते हो। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।